आइए, इस मुशायरे का आगाज हमजा अयाज ने किया था अपनी नातिया शायरी से, और वो नात ख्वानी के लिए पूरे हिंदुस्तान में बुलाए जाते हैं, चैनल्स पर बुलाए जाते हैं, लेकिन वो गजल नहीं पढ़ते। लेकिन आज मुंतजमीन की ख्वाहिश पर वो एक गजल भी यहाँ पर पढ़ेंगे। मैं उनसे उन्हें आवाज देता हूँ। आए जनाब हमजा अयाज साहब। बस थोड़ा सा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए सीधे सीधे सदरे मोहतरम की इजाजत चाहते हुए गजल का मतलब। कि सुरमा आंखों में, कि सुरमा आंखों में बरेली का लगा रखा है, के सुरमा आँखों में बरेली का लगा रखा है, सुरमा आँखों में बरेली का लगा रखा है, सुरमा आँखों में बरेली का लगा रखा है। उसने हर शख्स को दीवाना बना रखा है, सुरमा आँखों में बरेली का लगा रखा है, सुरमा आँखों में बरेली का लगा रखा है। उसने क्या बात है, वाह। कि इस तरह ऐब तेरा मैंने छुपा रखा है, के इस तरह ऐब तेरा मैंने छुपा रखा है, इस तरह ऐब तेरा मैंने छुपा रखा है। बेवफा देख तेरा नाम वफा रखा है, सुरमा आँखों में बरेली का लगा रखा है। चाहे जब जाम मोहब्बत का पिला देती है, मोहब्बत का पिला देती है, चाहे जब जाम मोहब्बत का पिला देती है। उसने आँखों को ही मैं खाना बना रखा है, सुरमा आँखों में बरेली का लगा रखा है। कि किस पे दुनिया में करे कोई भरोसा आखिर, कि किस पे दुनिया में करे कोई किस पे दुनिया में करे कोई भरोसा आखिर। हक चचा ने ही, हक चचा ने ही भतीजे का दबा रखा है, रखा है। किस पे दुनिया में करे कोई भरोसा आखिर, किस पे दुनिया में करे कोई भरोसा आखिर। हक चचा ने ही भतीजे का दबा रखा है, सुरमा आँखों में। आखिरी शेर बतौर खास बना फरमाए। एक मेले से दुपट्टे से मेरी बेटी ने, के एक मेले से दुपट्टे से मेरी बेटी ने, एक मेले से दुपट्टे से मेरी बेटी ने अपनी इज्जत को बाहर हाल बचा रखा है,
आँखों